फोर व्हीलर स्कूटर. Hey guys, welcome to Four Wheeler Scooter. And tell me, how are you? Yani kaise hain aap? I'm sure aapka jawab hoga ekdam fine, super, mast, awesome bro. Well, 99.9% hindustaniyon ka jawab yahi hota hai. Even though unki life mein kuch na kuch aisa chal raha hota hai jiske bare mein wo discuss nahi karte hain. Kyun nahi karte? Simple si baat. बचपन से हम लोगों को बड़ा ही ऐसे किया गया है कि लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही हो तो किसी को बताना नहीं, किसी से मदद नहीं लेना. और अगर मान लो वो 1% पब्लिक जो है जो सामने से बोल भी देती है दैट आई एम नॉट ओके या मुझे मदद की ज़रूरत है, तो बस क्या, सामने वाले की जजमेंट शुरू हो जाती है. मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य हमारी लाइफ का वो एस्पेक्ट है जिसे हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं. और सबसे शर्म की बात ये है दोस्तों कि किसी गरीब को खाना देते हुए हम सोशल मीडिया पे पिक तो डाल देते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि एक घंटा कैप्शन या हैशटैग सोचने की बजाय अगर उनके साथ बैठकर अगर ये पूछ लेते कि भैया या दीदी कैसे हो आप और आपका दिन कैसा गया, तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता. बट वेट अ सेकेंड, उससे ज़्यादा लाइक्स या फॉलोअर्स थोड़ी ना मिलते हैं. शिखा, यू आर सच अ फूल. वेल, आज दोस्तों मैं अपनी प्रेगनेंसी के स्ट्रगल्स और उसके बाद जो आपका मेंटल हेल्थ का जो लोचा होता है ना, विच इज़ कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उसके बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ. लेकिन उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ. आई एम श्योर आप भी बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, काफ़ी सारे ऐसे इशूज़ जो आपके मेंटल हेल्थ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं. जैसे कि यू नो, कुछ लोग एग्जाम्स अभी दे रहे हैं सो दे आर वेरी मच इन कॉन्फ्लिक्ट. आपके फिनेंशियल इशूज़, आपके करियर ओरिएंटेड या फिर आपके रिलेशनशिप इशूज़, ऐसे बहुत सारे इशूज़ हैं जो आप लोग फेस करते हैं और आपको लगता है कि अब और मुझसे हैंडल नहीं होगा. तो इसके बारे में छोटी छोटी बातें करेंगे. एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द न्यू मॉम्स जो अभी अभी मॉमी बनी हैं. बट कंग्रेचुलेशंस के साथ साथ प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि इस गुड न्यूज़ के साथ साथ आपकी बॉडी में जो लोचा होता है विच इज़ द मेंटल हेल्थ इश्यूज़, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. वी आर गोना टच दैट टॉपिक टुडे, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. एग्जाम्स के बारे में इतनी टेंशन लेना प्लीज़ बंद करो. ट्रस्ट मी, इट्स ओवर रेटेड. ये लास्ट मिनट पढ़ाई करके क्या झंडे उखाड़ लोगे यार. और जिन्होंने पूरी साल पढ़ाई की है, प्लीज़ Have faith in yourself, अपने ऊपर भरोसा रखो, everything is gonna be fine. Relationships वाले लोगों के issue, भाई please communicate, बातें करो, आधे से ज़्यादा problems अपने आप solve हो जाएंगी. और जिन लोगों की life में कोई नहीं है, यानी कि singles वाले type, don't worry, सही time पर बातें करने वाला या वाली भी आ जाएगी. Financial situation is simple, कृपया करके अपनी चादर देख कर पैर पसारें. आसपास के लोगों को देखकर और सोशल मीडिया पर देखकर अपने माँ बाप के ऊपर अनड्यू प्रेशर ना डालें कि आपको ये वाला फ़ोन या वो वाले कपड़े चाहिए. इट्स नॉट एट ऑल नीडेड. एंड प्लीज़ रिमेंबर, यू आर नॉट इन एनी रेस. करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वेल कीप ट्राइंग हार्ड गाइज, और कोशिश करते रहिए. बिकॉज ये COVID-19 का जो प्रेशर का एक्सक्यूज़ हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉट राइट. वी नीड टू हैव फेथ ऑन आर सेल्स एंड ऑन आर डिग्री. और याद रखिएगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना चप्पू चलाए नदियाँ पार नहीं होती. एंड नाउ कमिंग टू माई सिचुएशन गाइज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन. वॉट इज इट? सिंपल. Decrease estrogen and progesterone levels in your body causes sudden hormonal shift which triggers emotional repercussions. अब आप सोच रहे ये क्या बोल गई. Well, सिंपल भाषा में दोस्तों, डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल लोचा होता है जिसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर जो फ्यूज हो जाते हैं उसे बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन. अब आप बोल रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया इटसेल्फ has more than 1 crore cases every year for postpartum depression. So please do not take this lightly. बच्चे के साथ गुड न्यूज़ तो बहुत आती है. And I mean, you know, जब मैंने अलाइना को डिलीवर किया था, even I felt very happy. मुझे लगा life has changed for good, but I had no idea that what all changes were going on in my body.
बहुत सारे चेंजेस होते हैं दोस्तों, फिजिकली तो होते ही होते हैं लेकिन मेंटली भी होते हैं, और जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हो, लेकिन छोटी छोटी जो इसके सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपके मूड स्विंग्स, आप इरिटेबल होते हैं, आपको रात को नींद नहीं आती है, आपको गुस्सा आने लग जाता है, आप कभी कभी ब्लैंक स्टेयर करने लग जाते हैं, यू जस्ट सिटिंग एंड यू जस्ट लुकिंग एट थिंग्स, आप अपने बेबी के साथ में होते हैं, आप अपना टाइम इन्जॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड यू डू नॉट फील दैट यू आर योर सेल्फ। दैट मीन्स यू आर अ विक्टिम ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड यू नीड हेल्प। और हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है, आप चाहे तो अपने पार्टनर से बात कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स से बात कीजिए, चाहे तो किसी डॉक्टर से बात कीजिए, टॉक टू अ गायनेकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट, किसी से भी हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है, रादर इट इज बेटर दैट यू टॉक अबाउट इट। वेल दे से फीमेल्स लव टू गॉसिप। कभी कभी हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि किसी से सच्ची में कुछ दिल से पूछा हुआ सवाल किसी को कितना हर्ट कर जाता है, स्पेशली जब आप ये पोस्ट डिलीवरी वाले फेज में होते हैं। बहुत सी फीमेल्स पूछती हैं, अच्छा सिर्फ ब्रेस्ट फीड कर रही हो, ऊपर का दूध नहीं पिला रही हो? और बहुत सी फीमेल्स बोलती हैं, अरे ऊपर का दूध पिला रही हो, ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही हो? वेल, आप जो भी कर रही हो, चाहे आप ब्रेस्ट फीड कर रही हो या फिर टॉप अप फीड दे रही हो, ये आपका कॉल है, और आप अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए और आप अपने आसपास जो हेल्प अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चे को अपने हिसाब से बड़ा करिए, ये नहीं कि दूसरे क्या बोल रहे हैं। सो प्लीज़ डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर मॉम्स जो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपकी बॉडी उतना मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, सो यू डू नीड टू गिव टॉप अप। नाउ कमिंग टू मी, व्हाट एम आई डूइंग? सो आई एम गिविंग अ मिक्स ऑफ ब्रेस्ट फीड मिल्क एंड अ टॉप अप फीड। मैं कभी कभी टॉप अप फीड दे देती हूँ ताकि मुझे 3 घंटे की नींद मिल सके, सो दैट आई हैव अ सेन माइंड, दैट इज वॉट आई डू। बाकी के टाइम आई ब्रेस्ट फीड अलाइना एंड दैट इज हाउ आई फील आई कैन बी सेन। ऐसा बहुत बार होता है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठे हुए हैं, या तो आप उसे फीड कर रहे हैं या फिर बच्चे को बर्प करा रहे हैं, एंड यू हैव दिस सडन राइज इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। कभी कभी आप बैठे बैठे सोचने लग जाते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो बहुत पहले हुई है, एंड दैट रियली अपसेट्स यू। और कभी कभी आप चीज़ें उठा के फेंकने लग जाते हैं, कभी कभी आप अननेसेसरली गुस्सा हो जाते हैं, यू स्टार्ट स्क्रीमिंग, स्वेयरिंग, एंड there is immediately feeling a flood of emotions afterwards, guys, and you just cannot snap out of it. Feeling short-tempered, feeling exhausted, losing interest in things that you once liked a lot, resenting your husband or your baby, feeling guilty ki kya main apne bacche ke liye jo kar rahi hu kya wo kaafi hai, aur aisi bahut sari feelings jo aapke dimag mein chalti hain, agar aisi chal rahi hain, that means guys these are classic signs of postpartum depression and you are facing it and you need help. And what can you do about it? To main aapko batati hu ki main kya kar rahi hu jisse mujhe feel good factor ho. I want to tell all the moms out there, चाहे वो अभी अभी माँ बनी हो या फिर हुआ हो 1 साल या 2 साल, you can face this anytime, guys. Just believe in yourself and remember, you are an amazing mom. You don't need to be perfect. You just need to be you. Remember, you love your child and your child loves you and your family loves you. So please be together. एटलीस्ट मैं उसी में विश्वास रखती हूँ, अपने पूरी फैमिली के साथ बातें करें, अपने बच्चे के साथ बातें करें, प्लीज़ ट्राई टू गेट सम रेस्ट, जितना हो सकता है पानी पिए, अच्छे से खाना खाएं एंड फील गुड अबाउट योर सेल्फ। कभी कभी बीच में एक छोटे से ब्रेक से ही आपको बहुत अच्छा लग सकता है। अपने पार्टनर को समझाइए, अपने पार्टनर को बोलिए, और अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप किसी के पार्टनर हैं, तो अपनी बीवी को थोड़ा सा गैप दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट का टाइम दीजिए, एंड ट्रस्ट मी शी इज़ गोइंग टू फील मच बेटर एंड कम out as a much better partner maybe. So I want to tell all you mommies out there ki jo bhi aapki feelings hain ya jo bhi aapko lagta hai aapki zaruratein hain wo sab valid hain. Jo bhi aap kar rahe hain, you are doing the best that you can and that is enough. And kabhi kabhi kisi ki help mangne mein koi harz nahi hai, because sometimes even you need a break. This is my baby, Alaina, and I feel and I want to reassure myself every day, and that I do, कि मैं जो भी इसके लिए कर रही हूँ वो सब अच्छे के लिए कर रही हूँ. Obviously, under the guidance of elders, but feel good within yourself, guys, and as a mother, I don't think anyone can go wrong. So believe in yourself, feel good, feel the happy face, and trust me, you're going to do an amazing job out of it.
जब तक आप खुश महसूस करेंगे तभी आप अपने बच्चे को हैप्पीनेस दे सकते हैं. हाँ, हैप्पी हैप्पी हैप्पी. यस यस यस. सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज माई सेकेंड पुपची पुपची गोकू हु इज कमिंग इन बिटवीन. सो लव योर किड्स, लव योर सेल्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एंड डू नॉट निग्लेक्ट योर मेंटल हेल्थ प्लीज़. चाहे आप एक नई मॉम हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक यू नो यू आर अ हस्बैंड, इट डजेंट मैटर. प्लीज़ फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ गाइज. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप खुश होंगे तभी आप अपने पूरे परिवार के साथ खुश रहेंगे. एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. गिव योर किशिज अ लाइना. सी थैंक यू, आई लव यू. स्प्रेड द लव. Thank you so much for liking the video. Well, like kariyega, huh? Follow and subscribe to Four Wheeler Scooter, guys. We need all your love. And let's be kind and let's spread love all around the world. At least that is the example I want to set for my children. Thank you guys for all the love and stay tuned for another video. Goku bhogna shuru ho gaya. Let me see what he wants, because after all, he's my first child. You're my second child and I love you. I love you so much. Lots of love, guys. Stay safe and take care of yourself.